वेलकम बैक गाइस। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिनेमास कलेक्शन में। तो आज हम बात करेंगे बैड बॉय मूवी के टोटल 19 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और साथ ही साथ जानेंगे 20वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। तो जैसे कि आपको पता ही है कि इस मूवी के लीड में जो आपको दिखाई देंगे एक्टर वो है नमासी चक्रवर्ती। जी हाँ गाइस, तो ये नमासी चक्रवर्ती की एज अ हीरो फर्स्ट मूवी है, यानी कि डेब्यूट मूवी है बॉलीवुड की। और इस मूवी का जो बजट है वो है मात्र 6 करोड़। जी हाँ गाइस, मात्र 6 करोड़। अभी आप सोच रहे होंगे ये नमासी चक्रवर्ती जी कौन है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि ये नमासी चक्रवर्ती जी कोई और नहीं बल्कि अपने इंडिया के पहले एक्शन हीरो यानी कि मिथुन चक्रवर्ती के बेटे हैं। जी हाँ गाइस, ये मिथुन चक्रवर्ती के बेटे हैं और इनकी ये पहली मूवी है। तो आज हम बात करेंगे इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। तो पहले दिन की बात करें अगर यानी कि फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो इसने पहले दिन कमाए थे 1 करोड़ 81 लाख। जी हाँ गाइस, 1 करोड़ 81 लाख। बात करें दूसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दूसरे दिन इसने कमाई 1 करोड़ 90 लाख रुपए। बात करें तीसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो तीसरे दिन था संडे, तो संडे को इसने थोड़ा सा ग्रोथ दिखाया और कमाई 2 करोड़ 10 लाख रुपए। बात करें अगर चौथे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो चौथे दिन इस मूवी ने जो है थोड़ा सा यानी कि ड्रॉप देखने को मिला, क्योंकि चौथे दिन था मंडे, बट फिर भी इसका कलेक्शन है वो बहुत ही अच्छा रहा क्योंकि इसने कमाए 1 करोड़ 20 लाख रुपए। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मूवी कलेक्शन तो बहुत कम कर रही है, और आप बता रहे हो मतलब बहुत ही अच्छा कलेक्शन कर रही है, क्योंकि उसका रीज़न ये है गाइस कि इस मूवी को जो स्क्रीन काउंट थे वो केवल 700 थे। जी हाँ गाइस, केवल 700 स्क्रीन्स पर ये मूवी जो है इतना अच्छा कलेक्शन कर रही है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। अगर सोचो ये स्क्रीन काउंट 2-3 हज़ार होते तो कितना कलेक्शन करती मूवी, तो बट फिर भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन कर रही है। तो इस प्रकार से अगर इसके टोटल यानी कि 18 दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखा जाए तो वो हो जाता है यानी कि 16 करोड़ 70 लाख रुपए। जी हाँ गाइस, 16 करोड़ 70 लाख रुपए। बात करें आज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो आज ये बॉक्स ऑफिस भी लगभग 25 से 30 लाख कमा रही है। जी हाँ गाइस, 25 से 30 लाख कमा रही है, जिससे इसका टोटल यानी कि 19 दिनों का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 17 करोड़। जी हाँ गाइस, 17 करोड़। और बात करें यानी कि बर्ड बैड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो बर्ड बैड भी इस मूवी का जो आज कलेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 21.5 करोड़। जी हाँ गाई, 21.5 करोड़। और क्योंकि मूवी का बजट है 6 करोड़, तो ये अपने यानी कि बजट से 3 गुने से भी ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुकी है। तो आप बताइए इस मूवी को जो टैग है वो कौन सा मिलना चाहिए, हिट, सुपर हिट या फिर ब्लॉकबस्टर? जो भी आपको लगता है आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगर आप भी यानी कि नमासी चक्रवर्ती के फ़ैन हैं या मिथुन चक्रवर्ती के फ़ैन हैं, तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस।